अमेरिका के ओहायो के ईस्ट पैलेस्टाइन नामक कस्बे के पास 3 फरवरी को एक मालवाहक ट्रेन पलट गई। नॉरफॉक सदर्न द्वारा संचालित इस ट्रेन की 50 बोगियां थीं। हादसे के बाद 38 में आग लग गई। इस ट्रेन में खतरनाक रसायन और दहनशील पदार्थ भरे थे। इस हादसे के बाद आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों और वन्य जीवों पर खतरा पैदा हो गया। लोगों से इलाका छोड़ देने को कहा गया। हालांकि ओहायो पर्यावरण एजेंसी ने पाया है कि आसपास के घरों में कोई जहरीली गैस नहीं फैली, जिसके बाद 8 फरवरी को लोगों को अपने घरों को लौट जाने को कहा गया। हालांकि जो पास की एक धारा है उसमें इस रसायन की एक मात्रा जो है वो चली गई और इससे अनुमान के मुताबिक तकरीबन 3,500 मछलियों की मौत हो गई। आशंका इस बात की भी है कि इस रसायन का हिस्सा जमीन से रिसकर भूजल में जा सकता है, जिससे पीने का पानी दूषित हो सकता है और इसे पीने वाला मनुष्य आगे चलकर बीमार हो सकता है। इस ट्रेन में जो खतरनाक रसायन थे उसमें वाइनिल क्लोराइड जैसी गैस भी थी, जिसको सूंघने पर बेहोशी और सिरदर्द होता है और ज़्यादा मात्रा में शरीर पर जाने पर लीवर कैंसर का भी खतरा पैदा हो सकता है, यानी कि इसके दूरगामी असर हो सकते हैं। इलाके को साफ किया जा रहा है। हादसे की वजह का अभी पता नहीं है, पड़ताल की जा रही है। ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम की दिक्कत जो है इसकी एक वजह हो सकती है, जिसके अपग्रेडेशन के लिए 2017 में प्रपोजल आया था लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उसे रोक दिया था। इलाके को साफ किया जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों की राय है कि इस हादसे की पूरी तरह से पड़ताल हो और सही वजहों का पता चले, ताकि आगे इस तरह के हादसे ना हों।